अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू नगर ब्लॉग और एक नए ब्लॉग के साथ मैं आ चुका हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आज का ब्लॉग। और आमिर जाकर आया मेरे साथ। आमिर जाकर कैसे मैं ठीक हूँ। कैसे इंटरव्यू करना है, क्या कुछ देना? बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान है, थोड़ा ऊंचा करने वाला है। ये 50 हो गई है रोहित शर्मा की, तो कैमरा बंद यार कहती है यार। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम लोग पता नहीं ये मैच देख क्यों रहे हो। अबे यार, मैंने तो पहले ही अपना ब्लॉग यहाँ पे बंद कर दिया था पिछला के भाई पाकिस्तान जो है ये मैच नहीं जीतता। अब यहाँ का तू क्या कहता है? लख लाना कुछ भी। वैसे जब मेरा कहना है ब्लॉग आम कर, मैं बात करना चाहता हूँ। फकी यार, चीटिंग करता है तू, बिल्कुल ना जाती है। अबे ये देख फकी क्या कर रहे हैं अफगानिस्तान वाले। अब मुझे तो कसम से अब खतरा पड़ गया कि भाई 30 मिनट के साथ मैच है, अबे क्या करें? इंग्लैंड वालों के साथ ये बुरा कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या करेंगे भाई? धो देंगे। बात आज है बारिश और सुबह सुबह का वक्त है, तकरीबन 7:30 का टाइम है और यहाँ पे और ये बारिश और जो है मौसम है अब वो काफ़ी ठंडा हो रहा है और बच्चे भी अब जो है वो स्कूल की तरफ रवा दवा हो रहे हैं। और जनाब बाबा रमजान अरमानू बाबा डाकी जो है वो यहाँ पे बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको काम पे सॉरी स्कूल में जो है वो लेके जा रहे हैं, क्योंकि आजकल वो यहाँ पे चौकीदारे का काम भी कर चुका है। वर्ल्ड कप का पहला अपसेट और जिसने अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को जो पिछली बार की आर्मी चैंपियन है अपने हिसाब का दिफा कर रही है उसको धूल चटा के रख दी। मजा आया। अबे ये होती है बॉलिंग, ये होती है स्पिरिट, ये होते हैं जन्मे। अबे यार लड़े हैं वो लोग, क्या उन्होंने पहले बैटिंग की फिर बॉलिंग की और वो जीते हैं इतनी बड़ी टीम से। हमारी टीम का तो पता नहीं क्या हो जाता है जब भी कोई ऐसे, खास कर जब इंडिया को देखे हमारे तो हाथों के तोते उड़ने लग जाते हैं, पसीने छूट जाते। बात तो सही है। अरे बाबर और रिजवान के बाद कोई प्लेयर भी हमारा जम के ना खेल पाया और 152 थे और 190 पे पूरी टीम खत्म गुल। अबे ऐसा थोड़ी ना कहें यार, लड़ा करो खुदा के लिए। चलो हारो, लेकिन हारो तो ऐसे कि भाई कम से कम अब ये कहें कि फाइट करके आ रहे हैं। अरे बिल्कुल ही घुटने टेक दिए इंडिया के सामने तुम लोगों ने। आए हाय हाय हाय, छाप जाए वो। आज काफ़ी ठंडी ठंडी है और ऐसा लग रहा है कि अब जो है वो सर्दियों का बाकायदा से आगाज़ हो चुका है और अब जो सर्दियों की शामें हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो गई है। आज क्योंकि सुबह काफ़ी तेज़ बारिश भी रही है और इस वक्त तक जो माहौल है वो काफ़ी ठंडा कूल और अक्टूबर की आज है यानी कि जो 17 की शाम है वो अच्छी हो गई यानी 16 अक्टूबर की, और इंशाल्लाह 12 बजे के बाद 17 अक्टूबर हो जाएगी। और अभी जो है आज इस वक्त तक तो खैर काफ़ी ठंड फील हो रही है। अब देखते हैं कि ये ठंड आगे ही बरकरार रहती है या फिर इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, रात की बारिश के बाद फिर अब शाम में बादल बन रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बादलों का मंजर शाम में और छत पे मिस्त्री काम कर रहे हैं। आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि रात जो बारिश हुई है उससे हमारे जो है छत हालांकि ऊपर से डबल है बड़ी पक्की मजबूत है लेकिन पानी फिर भी आने लग गया भाई। हाँ जी, ठंडी रातों का हो चुका है आगाज़ और मोहसिन भाई और फकी जो है वो बैडमिंटन खेल रहे हैं वो भी ठंड में। ओह माय गॉड। और तकरीबन जब यहाँ पे ऐसा मौसम होता है और सर्दियाँ होती है तो रात में ये सारे कोई ना कोई फकी निहार या मोहसिन भाई और ये खेलने लग जाते हैं बैडमिंटन। और आज ये जैसे कि मैंने बताया था कि ठंड शुरू हुई है तो ये लोग अब शुरू हो गए अपने रैकेट निकाल के और
शटर निकाल के खेलने लगे। तो ये था आज का व्लॉग, और आप इस व्लॉग को करना लाइक कमेंट शेयर, और जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे व्लॉग फैमिली को ज्वाइन नहीं किया वो आए, चैनल को करें सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। अपना रखें ख्याल, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।